Tony. वादियाँ इतनी अच्छी हैं क्योंकि हम लोग ट्रेन में हैं। ये हम लोग जा रहे हैं मध्य प्रदेश, एंड मध्य प्रदेश में कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जा रहे हैं ग्वालियर। एंड कोई आ रहा है, देखते हैं कौन आ रहा है। बचपन में मैं ऐसा बच्चा था कि जब भी हम लोग कहीं पे जाते थे तो मेरे को बड़ा वो होता था कि बाल्टी में देखना है क्या होता है। ऑफकोर्स मदर यू कैन रिलेट। सो हम लोग जा रहे हैं ग्वालियर, थोड़ा काम है वहाँ पे, मीटिंग है तो उसको निपटाने के लिए। ऑफकोर्स इस बार हम लोग गाड़ी से नहीं जा रहे हैं बिकॉज बहुत लंबा ट्रैवल हो जाता, इसलिए क्योंकि मैं अकेला जा रहा हूँ इसलिए बहुत लंबा हो जाता। तो हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं। कौन सी ट्रेन से जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं गोंडवाना एक्सप्रेस से। गोंडवाना लैंड था जिससे हमारा इंडिया बना था, या वही ट्रेन से। सो हम लोग ने ये ट्रेन पकड़ी है निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से, एंड नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंदर आता है एंड साउथ दिल्ली में सिचुएटेड है। और ये एक्चुअली बनाया गया था ताकि जो न्यू दिल्ली का जो कंजेशन है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो कंजेशन है वो थोड़ा कम हो जाए। निज़ामुद्दीन स्टेशन का नाम कैसे पड़ा? आई हैव गॉट द आंसर। एक सूफी सेंट थे निज़ामुद्दीन औलिया, उनके नाम के ऊपर इस स्टेशन का नाम पड़ा निज़ामुद्दीन। और इस स्टेशन का जो कोड है वो है NZM, राइट। एंड इस पे इस पर्टिकुलर स्टेशन से करीब 60 मेजर राजधानी ट्रेन्स मतलब एक्सप्रेसेस स्टार्ट होती हैं एंड टर्मिनेट होती हैं। एंड गतिमान जो कि इंडिया की मतलब अभी ट्रेन 18 से पहले जो फास्टेस्ट ट्रेन थी इंडिया की गतिमान, वो यहीं से स्टार्ट होती है, यहीं पे टर्मिनेट होती है। निज़ामुद्दीन से मेजर सिटीज़ जो हैं वेस्ट की एंड सदर्न रीजन की मेजर सिटीज़ कनेक्ट करता है दिल्ली से डायरेक्ट, जैसे कुछ पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड बैंगलोर, चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम, केरला साइड में डायरेक्ट ट्रेन है फ्रॉम निज़ामुद्दीन। अच्छा, एक फैक्ट है निज़ामुद्दीन का रेलवे स्टेशन का कि इनके पास रूफ टॉप सोलर पैनल्स हैं। अगर मैं फ़ोटो खींच पाए तो मैं अभी डाल दूँगा। तो ये जो आपने देखे रूफटॉप सोलर पैनल्स हैं, ये 1000 मेगावाट की एनर्जी निकालते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, एंड अराउंड 41 करोड़ की एनर्जी सेव करते हैं। कैन यू इमेजिन? चलो तो अभी तक के लिए इतना ही है जो मैं देख पाया और जो मैं जानता हूँ, शायद आपके लिए थोड़ा एजुकेशनल होगा। तो बस यही है, अब बाकी की जर्नी आप देखिए।
आई होप कैमरा जस्टिस कर रहा होगा. दिस इज़ द फेमस टेम्पल, सन टेम्पल, एंड चेक आउट द बी रोल. अभी हमें ये बताया कि जो सन टेम्पल है वो इंडिया में सिर्फ दो है, एक ग्वालियर में है और एक है विशाखापट्टनम. तो अच्छी चीज़ है स्टिल इन ग्वालियर. थोड़ा सा अभी मीटिंग ख़त्म हुई थी तो आई थॉट कि थोड़ा ब्लॉगिंग कर लें. तो अभी जो आपने देखा पीछे वो था सन टेम्पल, एंड ये एज़ पर लोकल्स यहाँ पर पता चला है कि दो ही हैं इंडिया में, एक विशाखापट्टनम में एंड एक है ग्वालियर में. राइट, इस समय हम लोग हैं सिंधिया पैलेस में, ठीक है. एंड थोड़ा सा पहले मैं आपको जस्ट दे दूँ ग्वालियर के लिए कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है, एक सिटी है मध्य प्रदेश की, एंड ये ग्रिड रीजन है इंडिया का. 390 किलोमीटर्स है ये फ्रॉम दिल्ली. इट वॉज फर्स्ट रूल्ड बाय तोमर्स एंड देन पास्ड ऑन टू मुगल एम्पायर इन 13th century. फिर उसके बाद मराठाज ने रूल किया इसको, एंड उसके बाद सिंधियाज ने रूल किया इन 18th century.